तो वंस अपॉन अ टाइम एक था रैट रैप सेलर तो ये जो रैट रायट्रैप सेलर था ये क्या करता चूहे के पिंजरे बनाता था अब चूहे के पिंजरे बनाने के लिए इसको क्या चाहिए होती थी गाइस इसको चाहिए होती थी तारे तारे होती है ना लोहे की तो हाँ इनको चाहिए होती थी लोहे की तारे तो लोहे की तारे ये कहां से लाता था कभी किसी बड़ी बड़ी दुकानें होती थी स्टोर होते थे फार्म होते थे उनसे कभी बैक कर लेते ताकि प्लीज आप मुझे दे दो और जहां से भी इसको तार मिलती थी तार ढूंढ के ये रैट रेड्रैप बनाया करता था ठीक है बट ये जो रैट ट्रैप का बिजनेस था इनका ये रैट ट्रैप बेचने का ये बहुत किफायती नहीं था ये बहुत ज्यादा कमाई करके इनको नहीं देता था तो इसको जो है कई बार क्या करना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए कई बार छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी ये मत सोचो कोई बहुत बड़े डागे डालता था नहीं सिंपल सिंपल कोई ना कोई चोरी इसको करनी पड़ती थी जिससे कि ये अपना खाना खा पाए इतनी ज्यादा जो है परेशानी वाली लाइफ थी हमारे रैप सेलर की ना कोई घर है ना परिवार है खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे तो वैसे तो रायट्रैप ही बेचता था बट कभी कभी क्या करता था छोटी मोटी चोरी भी करता था बहुत ही दुबला पतला आप मान सकते हो इनको और दाढ़ी थी पूरी की पूरी गले में लटक रखे होते थे, थे बहुत सारे रैट और गाल जो थे वो बिल्कुल दबे हुए थे और आंखों में हर समय भूख दिखती थी ऐसी थी हमारी राट राट तो ऐसी हमारी रैट रैप सेलर के में, कि यार ये जो पूरी दुनिया है ये भी क्या है पूरा वर्ल्ड एक एक चूहे का पिंजरा है अलग अलग टाइप की बेट टी बेट बेट क्या होता है लालच ये इन हम इंसानों को अलग अलग लालच देता है जैसे बड़ा घर बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े ठीक है खाना और जैसे ही कोई इस लालच में की तरफ जाता है तो पूरा चीजें उसकी लाइफ जो है वहां पर बंद हो जाती है तो ये उसको फिलोसफी आती है कि हां भाई ऐसे तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड भी रैट रैप है और जब भी यह अकेला होता था खाली होता था घूम रहा होता था सड़कों पे क्योंकि कोई बात करने वाला तो था नहीं तो घूमते घूमते अपने पुराने कुछ लोगों के बारे में सोचता था जिनको तो ये जानता था कि हां उसकी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था उस लालच में वो फंस गया था फिर उसकी तो लाइफ खराब हो गई थी उसके साथ भी ये हुआ था तो जब भी ये परेशान होता था या घूमता रहता था नए नए लोगों के बारे में सोचता था कि भाई इसके साथ भी ये गलत हुआ इसके साथ भी ये गलत हुआ और ये सोच के इसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था क्योंकि भाई ऐसा होता है ना जब खुद बहुत परेशानी में हो तो ये भाई साहब दूसरों की परेशानियाँ सोच सोच के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर देते अब एक दिन क्या होता है बहुत रात हो रही थी घर ठिकाना तो कोई है नहीं बहुत ठंड का समय था भैया दिसंबर चल रहा था शायद से ठीक है तो ये चल के जाना होता है एक सड़क पे और बहुत ठंड हो रही होती है तो सोचता है यार क्या करूँ बहुत ठंड लग रही है क्या किसी के घर पे जो है नोक नॉक करके बोल दूँ कि मुझे एक रात सोने के लिए जो है छत दे दो तो ये जो है इसे ग्रे से कलर का कॉटेज आता है ठीक है कॉटेज मतलब होता है घर ठीक है तो ये वहाँ जाके दरवाजे पर नोक नॉक करता है नाक नाक नोक नाक और जैसे कि हमेशा जब भी ये किसी दरवाजे को खटकाता है तो लोग सड़ी हुई शक्ल हैं नाते क्यों आए यहाँ पे निकल यहाँ से हम नहीं जान देंगे तेरे को अपने घर पर आज कुछ अलग होता है इस घर के अंदर रहते थे एक बूढ़े अंकल और वो बूढ़े अंकल भी लोनलीनेस के शिकार थे अकेलेपन के शिकार थे क्यों ना ही उनके कोई घर में जो वाइफ थी ना बच्चे थे ना ही कोई बात करने वाला था तो वो सोचते कि अरे चलो इसी को बुला लेते तो हूँ अपने घर पर तो ये भाई साहब हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे अंकल मेरी मदद कर रहे हैं तो वो जो बूढ़े अंकल थे इसको अपने घर बुला लेते कहते हाँ बेटा तू रुक जा मेरे घर पर कोई बात नहीं और सिर्फ और सिर्फ रात रुकने के लिए जगह नहीं देते हैं जैसे ही उनके घर के अंदर जाता है तो इसके लिए टेस्टी सा एक दलिया बना देते हैं ठीक है और दलिया खिलाने के बाद ऐसा एक टोबैको रोल था उनके पास उसका एक बड़ा सा तंबाकू का जो है पीस को करके इसको पाइप देते हैं और इसको स्मोक भी कराते हैं ये स्मोकिंग करते रहते हैं और फिर जो है पत्ते निकाल के लाते हैं और एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है मेजोलिस तो ये क्रॉफ्टर अंकल है ये क्रॉफ्टर मतलब क्या है अब बताती हूँ तो ये जो बूढ़े अंकल थे फिर इससे बातें कर रहे होते हैं पत्ते खेलते हुए फिर अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि बेटा मैं ना पहले जब मैं जवान था तो मैं रैम्स जो आयरन मिल पे एक क्रॉफ्टर था यानी कि जो एक आयरन मिल्स होती है ना वहाँ पर ये काम करते थे बट कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया वहाँ पर तो इतनी मेहनत में कर नहीं सकता अब आयरन मिल के ऊपर तो अब जो है मैंने क्या कर रखा है मैंने अपनी एक गाय है मेरी और मेरी जो गाय है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मैं अब रोज सुबह अपनी गाय का दूध निकालता हूँ वो पूरे गाँव में गाय का दूध बेचता हूँ और मुझे पता है इतनी कमाई कमाई हो पिछले महीने मैंने अपनी गाय का दूध बेच के थर्टी क्रोनर्स कमाया तो करोनर क्या होता है करोनर इस करेंसी जैसे हमारी करेंसी है रुपीस वैसे ही इनके यहाँ पे ये स्वीडिश कहानी है स्वीडन में चल रही है इनकी करेंसी क्या है क्रोनर तो ये कहता है मेरी गाय ने मुझे तीस करोनर कमा के दिए हैं तो ये डाटा सेलर ऐसे देखता है अच्छा इसको यकीन तीस करोड़ तो ये अंकल कहते हैं अरे रुक जा रुक जा तुझे यकीन नहीं हो रहा ना रुक जा मैं तुझे दिखाता हूँ क्योंकि इसको ऐसा यह कि तो ये अंकल उठ के जाते हैं अपने घर से बाहर थोड़ा सा एक खिड़की सी होती है ऊपर वाली मंजिल पर उस खिड़की पे से ये एक लेदर का पाउच निकालते हैं उस पाउच के अंदर से तीन नोट निकालते हैं क्योंकि तीस करोड़ थे ना तो दस दस, दस बिल के तीन बिल थे यानी कि दस दस वाले तीन नोट थे दस दस करोड़ के तो ये पूरे करोड़ से दिखाते देख ना मैंने इसे गाय को दूध बेच के कमाई तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था और वापस पाउच में डाल के उसे खिड़की पर टांग देते हैं उन पैसों को बस जी फिर खाना वाना खा लिया बातें बातें कर ली पत्ते खेल लिया स्मोक भी कर लिया आप दोनों सो जाते हैं अंकल भी सो जाते हैं राटर ऑफ सेलर भी सो जाता है अब सुबह होती है अब सुबह सुबह ये जो अंकल है देखो कितने मेहनती है क्रॉफ्टर अंकल ये उठ जाते हैं जल्दी ठीक है और गाय का दूध निकालने जा रहे होते तो ये राटे ऑफ सेलर सोचते हैं कि भैया जब घर का मालिक जो है उठ के सुबह चला गया है तो मैं क्यों इसके घर में पड़ा रहा हूँ और सोया रहा तो ये भी तैयार होता है और बाहर निकलता है अब अंकल घर पर ताला लगाते हैं बाय बाय करते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्रॉफ्टर अंकल अपने रास्ते अपनी गाय के पास जा रहे हैं थे ये अपने रास्ते चला जाता है अब ये आगे चल के जा रहा होता है सड़क पर आधे घंटे बाद ये वापस मुड़ जाता है ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद आप समझ लो ये वापस मुड़ता है और क्रॉफ्टर के घर के नीचे आके वापस खड़ा हो जाता है ओ नहीं अंकल के क्यों आया था अब तो ये आया था गाइस चोरी करने के लिए ये क्रॉफ्टर अंकल से बात करने के लिए नहीं आया था ये सीधा चढ़ता है विंडो के ऊपर विंडो का शीशा तोड़ता है और वहाँ पर जो है पूरा का पूरा पैसे के लटका हुआ जो पाउच था उसमें से जो है पैसों को चुरा लेता है तो ये क्रॉफ्टर के तीस करोड़ चुरा लेता है अब चुराने के बाद में जो है क्रॉफ्टर अंकल के तो अब पैसे चोरी हो गए ना भाई साहब उनके साथ तो हो गया धोखा उन्होंने तो विश्वास करके इसको बताया बट ये अब रैटर आप में फंस चुका है इसको लालच मिला वो कि भैया तीस करोड़ है तीस करोड़ है अब ये फंसने वाला था तो ये क्या करता है ये पैसे चुरा के ना अब फॉरेस्ट का रास्ता पकड़ लेता है ये ना आम सड़क से नहीं जाता पब्लिक हाईवे से नहीं जाता ऐसे लगता है मैंने चोरी करी अगर कर, पुलिस मुझे पकड़ ले तो मैं तो बड़ा चालू हूं मैं तो फॉरेस्ट में से निकल के इधर उधर कहीं निकल पड़ूंगा ना मुझे कोई पकड़ा जाएगा ठीक है तो ये अपने आप को ना बहुत शातिर चोर समझता है कि मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा है मैंने वो बुड्ढे को पागल बना दिया मैंने उसके पैसे चुरा लिया तो ये फॉरेस्ट वेंटर करता है अब फॉरेस्ट में कोई कुछ देर तक तो सब सही चलता है लगभग एक घंटे तक तो ये फॉरेस्ट में चलता रहता है चलता रहता है बट धीरे धीरे ये फॉरेस्ट में अंधेरा होने लगता है रात हो रही होती है और फॉरेस्ट एक भूल भुल बन जाता है चल चल रहा है, चल रहा है है अब इसको पेडलर बोला जाता है हमारी स्टोरी के अंदर तो इसको नाम नहीं बताया हमारे एंटायर स्टोरी के अंदर का कभी पेडलर कहते हैं कभी ट्रैम्प कहते हैं कभी रेट्रप सेलर कहते हैं कभी वेगा कहते हैं यानी कि सड़कों पर रहने वाला तो ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है फिर वापस उसी जगह पे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है फिर वापस उसी जगह पे, अब तो ये बहुत ज़्यादा थक चुका था इसमें एनर्जी ही नहीं बची थी और इसे लगता है कि भाई साहब मैं फंस गया माया में हो गई मेरे से भी वही गलती जो मैं लोगों की सोच सोच के बहुत मज़े लेता था कि ये फंस गया राय ट्रैप में ये कह रहा मैं खुद फंस गया हूँ राय ट्रैप में वो जो तीस करोनर थे वो मेरी बेट थी अब ये जो फॉरेस्ट है ये मेरा पिंजरा बन चुका है अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ अब यही मेरी मौत हो जाएगी क्योंकि इतनी ठंड है इतनी ठंड है और मेरे में एनर्जी नहीं बची ना खाना है मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा इस जंगल के अंदर तो ये थक जाता है और ज़मीन पर बैठता है इतना थक जाता है इसने गिव अप कर दिया रास्ता बाहर निकलने का मिल ही नहीं राय फॉरेस्ट के अंदर से गिव अप करता है और ये ऐसे लेटने की कोशिश करता है फॉरेस्ट की ज़मीन पे जैसे ये फॉरेस्ट की ज़मीन पे जो है अपना सर रखता है तो ज़मीन पे सर रखने से इसको कान में आवाज़ें आती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर की हथोड़े चलने की हथोड़े चलने की तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही होती है क्या आ रही है आप लोगों को भी इतनी तेज़ आवाज़ इसको आती है और इसे लगता है अरे लगता है आस में कोई आयरन मिल है और वही आयरन मिल है ये जहाँ पर वो क्रॉफ्टर अंकल पहले जब वो जवान थे काम करते थे वो आयरन मिल थी रैम्स जो आयरन मिल और ये जो आयरन मिल थी ये पूरे वर्ल्ड फेमस आयरन मिल थी यहाँ पे लोहा जो है पिघलाया जाता था आगे कन्वर्ट करा जाता था एक मिल थी और बहुत बढ़िया से तरीके से यहाँ पे आयरन मिल में पूरी रात काम चलता रहता था तो अब इसकी जान में जान आती है इसे सुनता है जब आयरन मिल की जो है आवाज़ें अब ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करता है कि क्यों ना मैं आयरन मिल तक ये हथोड़ों की आवाज़ों को फॉलो करता हुआ पहुँचूँ और वहाँ जाके शेल्टर सीख कर लूँगा क्योंकि इतनी ठंड में आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो तो ये इतनी हिम्मत गैदर करता है चलता है चलता है और आयरन मिल तक पहुंच जाता है अब आयरन मिल के अंदर क्या हो रखा होता है ये पहुंच जाता है आयरन मिल में आयरन मिल के अंदर गाइस जो है वहाँ का जो वो था जो वहाँ का मास्टर स्मिथ था ना यानी कि जो पूरा का पूरा काम देखें देख रेख करेंगे वो वहां पे बैठे होते हैं अपने चेलों के साथ में वहां पे लोहा पिघल रखा होता है तो हर बार एक लड़का थोड़ी देर बाद जाके पिघले हुए लोहे में एक शॉवल चला रहा थे यानी कि एक जैसे करछी होती है ना हमारे घर में सब्जी चलाने के लिए वैसे एक बहुत बड़ा सा कुछ शॉवल था उससे वो लोहे को पिघलाने के लिए चला रहा था मास्टर स्मिथ बैठे हुए थे यानी कि जो मेन लोहार था वो बैठा हुआ था बड़े बड़े पंखे चल रखे थे इधर उधर जो है आवाजें आ रही थी लोहे के पिघलने की कोयले के चटक ने की अलग अलग बहुत शोर मच रखा था तो ना सुनाई नहीं देता है ये ये का का अब बोला जाता है को पे पिलाया जाता है है पे लोहा पिघलाया तो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और सीधा वो मेन लोहार जो थे मास्टर स्मिथ उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है अब वो भी देखते हैं कैसा सा आदमी है, है गले में लटका रखे हैं इतने सारे पिंजरे फटे पुराने कपड़े और बहुत ही परेशान सा और बहुत ही मायूस सा था तो वो पूछता है उससे कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ आज रात को यहाँ पे इतनी सर्दी बाहर तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी क्योंकि वहाँ पर वहाँ पे गल रहा था आग जल रही थी तो वो जो मास्टर स्मिथ था ऐसे करता है ठीक है बस इतना जवाब देता है क्योंकि वो यूज़ टू था इस चीज़ को कई बार गरीब लोग जो है आ जाते थे फौज में रात रुकने के लिए तो इसे भी बातें नहीं करनी थी कोई उससे बैठ के ये आराम से कोने में जाता है एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा अपने सर के नीचे रखता है उस पर सर रख के सो जाता है आराम से अब कुछ देर बीतती है कि इस आयरन मिल के जो ओनर थे उनका नाम आयरन मास्टर आपको बताया गया है वो जो ओनर है वो बहुत एम्बिशियस है एम्बिशियस मतलब मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी ऐसे ड्रीम है हाई कि ये चाहते हैं कि इनके जो लोहा

अरे क्या है ये तो ये जाते कहते अच्छा कोई आदमी है तो अब मास्टर स्मिथ जो के जैसा ये हमारे आयरन मास्टर नहीं थे जैसे अब वो मेन वाले लोहार ने तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना कौन है गरीब है ठीक है भैया तू सो जा बट ये अंकल थोड़े अच्छे थे आयरन मास्टर जाके देखते भैया कौन है ज्यादा से, से लेटा हुआ है यहां पे तो ये इसके पास जाते हैं और इसके जो है सर पे से इसकी हैट पहन रखी थी इसने वो स्लाउच हैट हटा देते हैं इसके सर पे से और देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसको नील्स उलफ इट्स यू अब ये निल्स ओल्फ क्या है मैंने यहाँ लिख दिया जैसे तुम स्पेलिंग समझ जाओ निल्स ओल्फ अब अब भाई ये जो ओनर है बड़े अमीर है भाई साहब ये इतनी बड़ी आयरन मिले हो जमाने में इन्हें क्या लग रहा है कि ये जो हमारा ट्रैम्प है ट्रैम मतलब यही सड़कों पे रहने वाला रेड ट्रैफ सेलर पेडलर कुछ भी कह लो इन्हें लगता है कि ये कौन है ये इनका कोई आर्मी का पुराना दोस्त है तो अब जैसे ही इसको नील सोलर बोलते हैं तो रेड ट्रैप सेलर ना लेटा वाई होता है ये इसने इनको मना नहीं करता एकदम से अपने दिमाग में सोचते हो अरे भैया तो मेरा आर्मी मेरे को अपना दोस्त समझ रहा है तो मैं अभी चुप रहता हूँ क्या पता मुझे कुछ करोनर दे दे अब हम पैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो स्वीडिश है तो ये सोचता है मुझे कुछ करोनर दे दे तो ये उनको जवाब देता है अंकल को आयरन मास्टर को कि हाँ मेरे साथ तो कुछ ऐसा कुछ थिंग्स हैव गॉन डाउन डाउन हिल विद मी हाँ कुछ गलत हुआ मेरे साथ तो ये अंकल कहते हैं अरे मुझे पता था मेरे को तुम्हें तो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था अगर मैं तुम्हारे साथ में होता तो तुम्हारी ऐसी कभी हालत नहीं होती तो ये चुप हो जाता है ऐसे कुछ कहता नहीं और इतने में ही ये जो आयरन मास्टर है कहते हैं अब चलो अब चलो तुम मेरे घर चलो मेरे साथ में जल्दी चलो अब मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं रहने दूंगा तुम चलो मेरे साथ में वैसे भी क्रिसमस हैगा मैं और मेरी बेटी अकेले ही रह गए हैं अब ठीक है मेरे बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है और क्रिसमस है कल परसों में तुम हम तो वैसे भी सोच रहे थे कि कोई गेस्ट हो हमारे पास में हम उसके साथ क्रिसमस मनाएंगे चल मेरे भाई तू मेरे दोस्त मेरे पक्के यारी चल हम लोग जो है साथ में चल के घर पर अपने क्रिसमस मनाएंगे इनका घर भी बहुत बड़ा है मैनर बंगला एक नंबर का तो भाई अब ये सोचता अब भाई ये क्या हो गया मैं तो सोच रहा था मुझे कुछ पैसे दे के जो है चले जाएंगे बट ये तो मुझे कह रहे हैं मेरे घर चल तो ये मना कर देते हैं अरे नहीं नहीं क्यों मना कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि भैया अभी रात को ये अगर कल को इन्हें पता चल गया मैं इनका दोस्त नहीं हूँ तो ये सीधा मुझे पुलिस में पकड़वा देंगे ऊपर से मैंने चोरी भी करके आया हूँ अभी तो ये मना करता है वो कहता है प्लीज़ चल ले भाई ऐसा मत समझ मेरे को कि बहुत बड़ा घर है मेरा और मैं तो मतलब कि उसको इनको लगता है आर मास्टर को कि इनका दोस्त शर्मा रहा है कि अब कैसी सी हालत हो गई है इतने अमीर घर में जाने वो कहता है भाई मुझे अमीर मत समझ तू मैं अभी भी तेरा वही दोस्त हूँ प्लीज़ चल मेरे साथ में आयरन मास्टर बार बार इसको प्लीज करते हैं, बट ये ट्राम पक्का रहता है मानता नहीं है कहता है, नहीं नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा तो आयरन मास्टर भी हार मान जाते हैं वापस मुड़ते हैं और मेन लोहार उसका नाम है जेर एन उसको जाके कहते हैं कि ठीक है भाई आज तो मेरा दोस्त कैप्टन निल्स ओलफ तो ये हमारे ट्रैम को क्या समझ रहे हैं एक आर्मी का कैप्टन समझ रहे हैं तो वो अपने मेन लोहार को कह के जाते हैं कि अब तुम्हारे साथ ही रहेगा मेरा कैप्टन दोस्त इसका ध्यान रखना और वापसी पे हंसते हुए जाते हैं मतलब कि उनके दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था और कुछ देर ही बीतती है कि फिर से आ जाती है एक घोड़ा गाड़ी बढ़िया सी उसमें बैठा होता है एक बटलर और हमारे आर एंड मास्टर की प्यारी सी बेटी एडला जिसके पास एक बहुत बड़ा फर कोट भी था अब ये क्यों आई थी अब उन अंकल ने क्या करा उनकी जो बेटी है ना ये बहुत काइंड है ये लोगों को मना लेती है तो भाई अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए ये अपनी बेटी एडला को भेज देते हैं अब एडला जाती है फौज के अंदर एडला भी देखती है कि ये जो है ज़मीन पर लेटा हुआ सो रहा था तो ये एडला भी जाके जो है इसके मुँह पे से जो है स्लाउज हैट हटाती है अब ही एडला हैट हटाती है तो ये एकदम से जाग जाता है अब ये एकदम से क्यों जाग जाता है क्योंकि ये सड़कों पर रहने वाला है तो इसकी एक आग खोल के सोता है ये कोई भी आहट होती है ये उठ जाता है तो ये उठ जाता है और ये कहते हैं कौन हो आप तो वो बताते हैं कि मैं एडला हूँ मुझे मेरे पापा ने भेजा है और आप जो है हमारे घर आने से मना करो प्लीज़ आप आओ हमें बहुत अच्छा लगेगा क्रिसमस आप हमारे साथ सेलिब्रेट करोगे वैसे भी हम लोग अकेले हैं तो कहीं ना कहीं ये अंकल और इनकी बेटी भी अकेलेपन का ही शिकार है क्योंकि ना इनकी मम्मा है और भाई, भाई भाई भी नहीं है तो ये भी अकेले है तो ये सोच रहे कोई आ जाए हमारे साथ क्रिसमस मनाने तो ये जो है अब सोचती है कि क्या कहूँ अब बोल नहीं पाता है कुछ और इडला इतने में नोटिस करती है हमारे पेडलर को हमारे रैट रैट्राफ सेलर को और उससे समझ में आता है बहुत समझदार है ये इसको समझ में आ जाता है कि ये ना डरे हुए अंकल ये जो मना कर रहे हैं ना मेरे साथ घर चलने को ये डरे हुए हैं या तो इन्होंने कोई चोरी करी है गरीब इतने गरीब हैं ये मजबूरी में चोरी करी है या ये जेल वेल से भाग के आए हैं इसलिए हमारे घर चलने को मना कर रहे हैं तो एडला जो है हमारे पेडलर को को कहती है, सेलर को कहती है है सेलर कि आप सुनो मेरी बात आप जैसे हमारे घर जाओगे वेलकम हो वैसे ही आप वापस जहां जाना हो आप जा सकते हो आप आओ डिनर करो क्रिसमस पे रहो और चले जाना मतलब कि उन्हें अश्योर कर देती है वो राटअप सेलर को कि हम तुम्हें कोई जेल वेल में नहीं डलवाएंगे टेंशन मत लो तो अब ये उस लड़की को मना भी नहीं कर पाता इतनी काइंड थी ये कहता है ठीक है मैडम आप आई हो तो मैं कैसे मना करूंगा? सो so, अब ये मैडम की बात मान जाता है एडला मैडम की अब एडला मैडम और ये बाहर निकलते हैं फोर्ट से जो बटलर था वो ऐसे सर झुका के इसको एक फर का कोट पहना देता है क्योंकि इतनी ठंड थी और ये घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं उनके बंगले पे। अब रास्ते में जाते हुए इसको जैसे कहते हैं ना कि अभी कुछ बुरा होने वाला हो तो मन पहले से पहले से ही चेतावनी दे रहा होता है तो इसको कहीं ना कहीं से ईवल फॉर बिटिंग्स आती है कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया इस लड़की के साथ आके अब तो कुछ पक्का गलत होगा बट रात को तो कुछ नहीं होता अब अगले दिन सुबह की बारी आती है अगले दिन सुबह सुबह एडला और उसके फादर घर पर जो है खाना बना रहे होते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट एडला बना रही है और एडला और उसके पापा बातचीत कर रहे होते हैं एडला कहती है कि पापा जो है मुझे आपके जो ये दोस्त है ना ये तो बिल्कुल एजुकेटेड भी नहीं लग रहे आप कैसे कह रहे हो ये कैप्टन है तो उसके पापा कहते हैं अरे नहीं नहीं अभी उसकी वो ट्रैम्प मैनर्स हट जाएंगे ना जो वो सड़क छाप वाली हरकतें उसके ऊपर हैं जो कपड़े वपड़े हैं जब वो नहा धो के बाहर निकल के आएगा मेरा दोस्त तब देखना तुम और फिर हम उसके लिए कोई बिजनेस सोचेंगे बढ़िया सा मैं तो भैया अपने दोस्त को एक राय रैप सेलर बनने नहीं दूंगा मैं कुछ अच्छा सा करूंगा उसके लिए अब इतने में ही जब वो ये बातें कर रहे होते हैं कि वो जो बटलर था वो हमारे ट्रैम्प को राय रैप सेलर को नला धुला के शेव करके बढ़िया सी हेयर कट करके सूट वूट पहना के आयरन मास्टर कर लिया आता है सामने ये आ गया सामने हमारा राय रैप सेलर तैयार होके आप जब सुबह की रोशनी में तैयार होके एडला के पापा आर्यन मास्टर देखते हैं हमारे पेडलर को तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं ये क्या बात हुई यानी कि भाई रात के अंधेरे में वहाँ इतना अंधेरा और आग में तो उन्हें कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये मेरा दोस्त है बट सुबह की रोशनी में उसे नहा धो के तैयार होता हुआ देख के तो वो समझ गए कि ये मेरा दोस्त नीसुल्फ नहीं है और वो चिल्लाते हैं अब जब वो चिल्लाते हैं तो ये कहता है सर सर मेरी कोई गलती नहीं है मैंने पचास बार आपको मना करा था मुझे मत लेके जाओ मैंने कुछ नहीं कहा आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आए हो तो वो कहते नहीं तुमने डिसऑनेस्टी करी है मेरे साथ तुम मुझे कह देते तुम मेरे दोस्त नहीं हो अब तो तुम्हें शेरफ ही बताएंगे तुमने क्या करा यानी कि वो पुलिस बुलाने की धमकी देते, देते हैं तो लो को आता है। मुझे इस रेड्रैप में फंसाया मुझे बेड्स दी कि क्रिसमस पर अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे इतने बड़े घर में लेके आ गए हो और अब मुझे जो है आप शेरिफ को देने को कह रहे हो पुलिस को देने को कह रहे हो ठीक है मैं इस आलस में फंस गया ना कल को आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा आप भी किसी लालच में फंसोगे ये पूरी दुनिया रैट रायराप है आप भी ऐसी फंस जाओगे रैट रायराप के अंदर अब जब ऐसी फिलोसफी एडला के पापा रैट रैप सेलर की सुनते हैं कि भैया एक सड़क पर रहने वाला आदमी इतनी बढ़िया फिलोसफी कर सकता है तो उन्हें हंसी आ जाती है और वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं शेरफ को तो क्रिसमस पे अकेला छोड़ देते तुम जाओ यानी कि वो उसे माफ़ कर देते हैं कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ कोई बात नहीं ठीक है अब एडला इतने में क्या कहती है जैसे ही रैट राटराप सेलर बाहर निकल रहा होता है ये जाकर बंद कर देती है और कहती है नहीं पापा मैं इनको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी वो कहते हैं अरे क्या हो गया बेटा ये क्या बात कर रही हो तुम हम क्यों किसी को जानते नहीं इंसान को अपने घर पर रखेंगे कहती नहीं ये बहुत गलत होगा ये क्रिसमस का दिन है क्रिसमस का मतलब होता है लोगों की मदद करना और मैं उस आदमी को अपने घर से धक्के मार के नहीं निकालूंगी जिसको मैं खुद प्लीज करके लाई लाइ कि क्रिसमस पर हमारे साथ आओ उसको मैंने डिनर प्रॉमिस करा और वो कहती है आप देखो इनको इनके पास ना कोई घर है ना परिवार है कभी भी ये एक रात ढंग से सोए नहीं होंगे कभी इन्होंने एक अच्छा खाना नहीं खाया होगा क्रिसमस का तो मतलब ही होता है लोगों की मदद करना तो मैं चाहती हूँ एक आदमी जिसके पास ना घर रहना ठिकाना है एक दिन ही सही वो अच्छे से अपना जीवन जी पाए, एक दिन ही सही वो हमारे घर पर आराम से आराम कर पाए तो प्लीज़ इन्हें यहाँ रहने दो तो पहले तो एडला के पापा नहीं मान रहे होते हैं बट वो उन्हें ठीक है, और वो उसे कहते है बेटा अब तो मैं अपनी करनी है तो कर लो बस बाद में पछताना मत फिर एडला हाथ पकड़ के हमारा रायट्राफ सेलर का लेके जाती है और उनको खिलाती है बढ़िया बढ़िया खाना तो अब क्रिसमस के लिए अब भाई ये कहीं ना कहीं राइट्राफ सेलर सोचते हैं भाई ये लड़की कैसी है पागल है क्या मुझे क्यों रुकवा रही है अपने घर में बट एडला बहुत काइंड थी तो एडला जो है हमारे रैटाफ सेलर को बिल्कुल एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट करती है कोई कमी नहीं छोड़ती उसकी खातिरदारी के अंदर और रेड ड्राइफ़ सेलेक्ट क्रिसमस पे इनके आ ही रहता है बट करता क्या है ऐसा नहीं कोई गप्पे मारे बाछी कि पूरा दिन सोता है तो इसने अपनी लाइफ में कभी चैन की नींद भी नहीं ली है क्योंकि कोई घर ही नहीं है सड़कों पे सोता है कभी डरे कोई आके मार ना दे कोई लूट ना कर ले या कुछ कोई पकड़ के ना ले जाए तो इसलिए ये एक हाथ खोल के सोता था बट आज जब इसे घर का कम्फर्ट मिलता है तो रैम्स जो के घर पर यानी कि इन लोगों के घर पर क्या करता है पूरा दिन सोता है दोपहर में सो रहा होता है इनको बुलाने आती है एडला कि अंकल खाना खा लो तो ये दोपहर में खाना खाने जाता है फिर सो जाता है फिर और उस समय पे एडला जो है इनको गिफ्ट में कहती है कि आप जो है ये कोट भी रख लो मेरे पापा का ये हमारी तरफ से आपका क्रिसमस गिफ्ट है और साथ ही के साथ में अगले क्रिसमस पे भी आप वेलकम हो हमारे घर पे जब आपको आना हो क्रिसमस पे हमारे घर आना क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करना फिर रात हो जाती है फिर ये सोने चला जाता है और फिर रात का डिनर करने ही आता है तो मतलब बस ये सोता रहा वहां बैठ के और जो है खाना खाने के समय पर खाना खाने आता रहा ऐसे बिताया इसने अपना क्रिसमस एडला के घर पर अब जो है सुबह हो जाती है अगले दिन सुबह हो जाती है क्रिसमस वाले दिन की और एडला और उसके पापा तो देखो ये सोता रहता है कुछ नहीं करता बस सोता रहता है पूरा दिन घर पे मजे से क्योंकि इसने आज तक चैन की नींद भी नहीं ली थी तो अब अगला दिन हो जाता है तो और एडला और इडला के पापा तो चले जाते हैं चर्च ठीक है और राट्रा सेलर तो इनके घर पर ही था सुबह सो ही रहा था और ये अब पापा बेटी चले जाते हैं चर्च बिकॉज इट वॉज क्रिसमस तो वो चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए चर्च से जब वापस वो आ रही होते हैं प्रेयर करके गाड़ी में बैठ के तो लगभग दस बजे की बात थी और एडला का मूड बहुत खराब था एडला बड़ी परेशान बैठी थी अब क्यों परेशान बैठी थी ये जानो क्योंकि ना उन्हें चर्च में पता चल गया कि कोई आदमी है जो ट्रैप बेचता है सड़कों पे और उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से जो रैम जो आयरन मिल पे क्रॉफ्टर काम करता था इन्हीं क्या तो काम करते थे क्रॉफ्टर अंकल भी उससे तीस करोड़ चुराए हैं तो अब रेड ट्रैप सेलर की सच्चाई जो है एडला को पता चल चुकी थी और जो एडला के पापा थे वो उसको सुना रहे थे हाँ हाँ बेटा और रुकवाओ जान लोगों को घर में पता नहीं किस चोर को हमारे घर में रुकवा दिया अब घर जाके पता चलेगा कितनी चमचे चांदी की वो चुरा के लेके गया होगा

उसमें था एक छोटा सा तारों का बना हुआ चूहे का पिंजरा इतना छोटा सा और उसके अंदर एक पेपर में लिपटे हुए थे तीस करोनर वही जो उसने क्रॉफ्टर के हाथ से चुराए थे और एक लेटर और उस लेटर में वो एडला को करता है ढेर सारा थैंक यू कहता है थैंक यू एडला मेरे कैप्टन ना होते हुए भी तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो मैं क्यों चोरों की तरह एक चोरी अपने के पैसे अपने पास रख के तुम्हें निराश करूँ तुम्हें शर्मिंदा करूँ तुम अपने पापा के सामने शर्मिंदा हो कि तुमने एक चोर को अपने घर में रुकाया तो नहीं ये लो तीस करोनर और ये प्लीज़ उस क्रॉफ्टर को वापस कर दे जिसने लालच देने के लिए हम गरीब लोगों को अपनी खिड़की पे से लटका के रखा था ये उसे वापस कर देना और फिर एडला को करता है यू एडला, कि तुमने मुझे मुझे फंसने से बचा लिया तो मैं एक रैट हूं और तुमने मुझे ट्रैप से बाहर निकाला है तो थैंक यू सो मच एडला और लास्ट में वो लेटर को साइन करते हैं वाला कैप्टन जिसको समझ के अंकल अपने

और ये मोस्ट अमेजिंग चैप्टर कंप्लीट होता है हमारी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का इस चैप्टर से आते हैं ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो मैंने हर चैप्टर को ऐसे ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ा भी दिया है प्लेलिस्ट लिस्ट से क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फुल सिलेबस की और उसके बाद क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले है जहाँ मैंने आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं चाहे बोर्ड एग्जाम में कितने ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं यू विल बी एबल टू आंसर अगर आप वो दस पंद्रह क्वेश्चन पढ़ लोगे जो मैंने आपको पढ़ाया सो गो एंड वॉच अद अदर वीडियोज़ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो